व्हाट्सएप तो आप हम सभी यूज करते हैं, लेकिन अगर कह दिया जाए कि ये प्लेटफॉर्म कुछ देर के लिए बंद रहने वाला है तो आप क्या कहेंगे? हम जानते हैं कि बीते दिन हुए आउटेज के बाद कोई भी ये नहीं सुनना चाहता कि ये प्लेटफॉर्म कुछ देर के लिए भी बंद रहेगा। आखिर हमारी जिंदगियां, हमारा काम काज इस पर इतना निर्भर जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूँ निधि तनेजा। अब शुरुआत की बात पर फिर से आते हैं। आप कहेंगे हमने व्हाट्सएप के ठप होने जैसी बात आखिर क्यों कही? दरअसल ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहा है एक वायरल ऑडियो मैसेज। इसका दावा ये है कि व्हाट्सएप रात के 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। इसका दावा ये भी है कि अगर आप इस ऑडियो मैसेज को अगर आप फॉरवर्ड नहीं करते हैं तो आपको एक मंथली चार्ज भी देना होगा। लेकिन सबसे पहले सुनिए ये ऑडियो क्लिप। 11:30 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा, ये संदेश सेंट्रल गवर्नमेंट पीएम मोदी द्वारा दिया गया है। अगर आपको इस समस्या से बचना है तो आपको ये मैसेज आपके सभी कॉन्टेक्ट लिस्ट में भेजना होगा। हम जानते हैं कि कल रात से व्हाट्सएप पर वीडियो स्टेटस और फोटो डाउनलोड होना बंद हो गए हैं। व्हाट्सएप पर लगातार इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ गई है और उसका उपयोग भी बहुत ज्यादा हो रहा है, जो कि देश के लिए हानिकारक है। अब आप पूछेंगे दावा आखिर कितना सच्चा है? आपको बता दें PIB फैक्ट चेक विग ने इस दावे को बिल्कुल फर्जी बताया है और ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने ऐसी कोई भी घोषणा, ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट व्हाट्सएप को लेकर नहीं की है, ये सिर्फ मिसलीड करने का एक तरीका है। आपको बता दें ये ऑडियो मैसेज सोमवार रात को हुए आउटेज के बाद सामने आया है। दरअसल सोमवार रात को 6 घंटे के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों पूरे दुनिया भर में बंद रहे थे। इसका कारण ये बताया जा रहा है कि कोई तकनीकी खराबी हुई जिसकी वजह से इनका सर्वर डाउन रहा। खैर ये घटना तो सच्ची थी, हम आप इसके साक्षी भी थे, लेकिन आज जिस ऑडियो मैसेज की हमने बात करी, ऐसे वायरल ऑडियो मैसेजेस या किसी भी तरह के मैसेजेस पर बिलीव करने से पहले आप 10 बार सोचिए, देखिए, परखिए कि आखिर वो खबर सच्ची है भी या नहीं। खासतौर पर जो व्हाट्सएप पर जो फॉरवर्डेड मैसेजेस आते हैं उन पर आप बिलीव करने से पहले एक बार अपनी जांच कीजिए, देखिए और फिर उस पर विश्वास कीजिए। ऐसी और खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।